बात कुछ ऐसी है, कल मैं और मेरा दोस्त हम लोग है ना कॉलेज रोड यानी कि नासिक का सबसे पॉश एरिया जहाँ पे अमीर पाए जाते हैं, हम वहां पे घूम रहे थे। अब भाई मैंने रोड पे देखा, एक नहीं दो नहीं पांच नहीं कम से कम 7 गाड़ियां मैंने देखी। जय हनुमान, 7 गाड़ियां मैंने वहां पर देखी, कॉम्पैक्ट गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी। थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यार मतलब मेरे माइंड में क्या चक्कर क्या है, मतलब भाई अंदर से तो लग्जरी लग रही है। सोचा यार आज जरा शोरूम पे जाके देखना पड़ेगा रियलिटी क्या है, रियलिटी चेकअप। तो मेरा रियलिटी चेकअप आप लोग जानते हैं कुछ अलग ही होता है, मतलब मैं लाइव देखता हूँ, जिसको मेरी सोच पसंद आती है वो मुझे फॉलो करते हैं तो उनको वो लगेगा। तो जो भी होगा ना भाई क्लियर कट बोल दूंगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक गाड़ी है इतना, ये तो प्रॉफिटेबल है, मतलब घुमाओ मस्त एकदम शहर में, एक बार चार्ज शहर के लाएगा, आउट ऑफ सिटी नहीं, ओनली सिटी, सिटी ड्राइव फन एकदम फुल। एसी एसी बंद ही नहीं करना भाई, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि उसकी जो चार्जिंग होने के बाद कैपेसिटी है वो कई किलोमीटर की है। अब पूरी डिटेल मैं आपको शोरूम जाके दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, बस पहुंच गए। मेरे लिए थोड़ा आधा घंटा लगेगा, आपके लिए एक सेकंड। कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ आज की बात शुरू करते हैं, चलिए। चार्जिंग टाइम 7 आवर्स, बैटरी कैपेसिटी 17.3 किलोवाट, मैक्स पावर 41.42 bhp, टॉर्क 110 Nm, सीट कैपेसिटी 4 लोगों के लिए, रेंज 230 किलोमीटर एक बार फुल चार्ज होने के बाद, और बॉडी टाइप है हैचबैक। पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो फ्रंट, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एयर कंडीशन, ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, व्हील कवर्स, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, एडजस्टेबल हेडलाइट, फॉग लाइट, रेयर व्हील कवर्स, अलॉय व्हील नहीं जैसा कि मैंने आपको बताया, आउटसाइड रेयर व्यू मिरर, टर्न इंडिकेटर, क्रोम ग्रिल, हेलोजन हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, 145/70 R12 इसमें टायर है, टायर्स आपके ट्यूबलेस रहेंगे, टायर का साइज 12 है, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट। सेफ्टी की अगर बात करें तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, नंबर ऑफ एयरबैग्स इसमें 2 रहेंगे, ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, डे एंड नाइट रेयर व्यू मिरर, पैसेंजर साइड रेयर व्यू मिरर, रेयर सीट बेल्ट, सीट बेल्ट वार्निंग, टायर प्रेशर मॉनिटर, क्रैश सेंसर, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज्ड कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, हिल असिस्ट, चाइल्ड सीट माउंट, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक। एंटरटेनमेंट की बात करें तो रेडियो, स्पीकर फ्रंट, USB, ऑक्स इनपुट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टच स्क्रीन 10.25 की इसमें स्क्रीन साइज रहेगा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नंबर ऑफ स्पीकर्स जैसा कि मैंने बताया 2 स्पीकर इसमें आपको मिलेंगे। 230 किलोमीटर बताया हुआ है। अच्छा, वो 195 to 200 किलोमीटर पकड़ लो एप्रोक्स, एक बार फुल चार्ज होने के बाद। और चार्जिंग के लिए कितने आवर्स? चार्जिंग के लिए 15% या 20% पे आपने लगाया तो 5 आवर्स में 100% हो जाता है। मतलब फुल नाइट लगा दो एक बार, फुल नाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती, 5 आवर्स में हो जाता है वो। 5 आवर्स अच्छा, ऑटो कट ऑफ है, ऑटो मतलब कुछ टेंशन नहीं, अगर लगा भी रह गया फुल चार्ज भी हो गया तो। अरे वाह, 200 किलोमीटर बेस्ट है यार। ऑन AC? यस ऑन AC। इसका फीडबैक इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मैं हमारे एक कस्टमर विजिट के लिए गया था, तो एक मुंबई की MH03 पासिंग कार मैंने देखी। अच्छा, तो MH03 ऑलमोस्ट घाट के ऊपर आता है। ओके, यहाँ से 170 किलोमीटर है। हाँ, तो पड़गा टपका ट्रैफिक। हाँ, और ये कसारा घाट, तो यहाँ आके 15% तो भी बचा रहेगा बैटरी। हाँ, तो आई तो वो वहाँ से तो विदाउट AC आया नहीं रहेगा। हाँ, AC मुंबई में तो। हाँ, क्लियर। इसको सीधा करोगे? हाँ सीधा कर। और हम दोनों ने भी बैठकर देखा, इतना कंफर्टेबल है, मतलब इतनी छोटी गाड़ी है, नैनो साइज की गाड़ी, और उसके बाद भी दोनों बैठे आराम से। गेट बंद कर दो। देखो भाई मेरी ये वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे जिनको ये गाड़ी लेनी नहीं है, और वो भी देख रहे होंगे जो इस गाड़ी को बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सड़कों पर ये गाड़ी चलती हुई देखी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस गाड़ी के लिए जा रहे हो तो मेरे मन में एक सवाल है, और सवाल का जवाब शायद आप लोग भी मुझे देंगे। 8.5 लाख से इस गाड़ी की स्टार्टिंग है, 10.5 लाख तक ये गाड़ी जा रही है टॉप एंड मॉडल में। तो 8.5 लाख पकड़ो आप 8.5 लाख की कॉम्पैक्ट गाड़ी ले रहे हो जो चार्ज होती है 5 से 7 घंटे में, और ये गाड़ी चलती है 200 से 210 किलोमीटर। आप कस्टमर रिव्यू समझ लो कि कस्टमर जिन्होंने ये गाड़ी खरीद ली है वो चला रहे हैं 190, 200, 210 ये किलोमीटर की रेंज का इसका सिस्टम है।
सात घंटे की चार्जिंग के बाद 5 से 7 घंटे और 8.5 लाख रुपए। तो क्या ये गाड़ी लेनी चाहिए और क्या इस गाड़ी की प्राइसिंग के हिसाब से इस गाड़ी में क्या बदलाव होने चाहिए थे, या प्राइसिंग कम होनी चाहिए थी, या प्राइसिंग के हिसाब से इस गाड़ी में कुछ चीजें एड ऑन होनी चाहिए थी। आपको ये गाड़ी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल जो बड़े सिटी हैं, मेट्रो सिटीज हैं, वहां पे लोग काफी पसंद कर रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक की वजह से इस गाड़ी का यूज ज्यादा हो रहा है। अच्छा है, जिसको 200 किलोमीटर जाना है वो भी खरीद रहा है, जिसको सिर्फ सिटी में चलानी है वो भी खरीद रहा है। पर क्या प्राइसिंग इस गाड़ी की सही है और क्या आप ये गाड़ी लेना चाहेंगे और कैसी लगी वीडियो, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाएं, अपने दोस्त को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, राधे राधे।